हेलो दोस्तों, मैं क्लास 5 यूनिट 1 नंबर अप टू 99 करोड़ 99,99,999 का क्या बता रहा हूँ, तो रिव्यू वर्कशीट बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट है, राइट द पीरियड प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द इनसर्कल डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर। दोस्तों इसको तीनों चीज़ निकालना है, पीरियड भी निकालना है, प्लेस भी निकालना है और प्लेस वैल्यू भी निकालना है। दोस्तों एक्चुअल में होता क्या है, प्लेस प्लेस वैल्यू और पीरियड ये सारा में होता क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आप देखे होंगे जो पीरियड होता है, जैसे यहाँ कोमा लगा हुआ ना, 1 2 3, 3 अंक के कोमा, तो ये 1, यहाँ से यहाँ 1 पीरियड है, उसके बाद होता है 1000, उसके बाद होता है लाख, ये पीरियड बोल रहे हैं। पहला है जैसे यहाँ बड़ा वाला नंबर में लेते हैं, जैसे 1 2 3 यहाँ कोमा है, तो यहाँ से यहाँ 1 पीरियड है, उसके बाद ये 1000 पीरियड है, उसके बाद यहाँ लाख पीरियड है। लेकिन अगर प्लेस में पूछेंगे तो ये 1 10 100 है, 1000 10,000 है, यहाँ लाख है ना। तो हम लोग को यहाँ तीन चीज़ निकालना था, पीरियड प्लेस और प्लेस वैल्यू। तो मैं चलिए शुरू करता हूँ नंबर 1 से। न्यू पेन है इसलिए नहीं चल रहा है। नंबर 1 का पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या, पीरियड, PERIOD, पीरियड, उसके बाद लिख लेते हैं प्लेस एक साथ, ताकि ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, नहीं तो बहुत लिखना पड़ेगा। PLACE प्लेस, यहाँ वैल्यू VALUE, तो यहाँ आ जाएगा हम लोग को। तो पहला नंबर ए नंबर बता रहा हूँ, यहाँ देखिए पीरियड क्या है, तो यहाँ से यहाँ बताए 1 से है और यहाँ 1000 है, 1 के बाद 1000 डायरेक्ट होता है, 100 नहीं होता है, तो इसका पीरियड हो जाएगा 1000। तो TH O US AND D, 1000s। और प्लेस क्या है, तो 1 10 100 1000। आपको कभी कभी ना तो पीरियड अलग प्लेस अलग अलग आएगा, ऐसा भी होगा देखिएगा अभी। तो इसका प्लेस भी 1000 ही है, TH O US AND DS। और प्लेस वैल्यू जो होता है, देखिए यहाँ 8 है, 8 के बाद 1 2 3, 3 0 है, तो 8 उसके बाद 3 0, ये कैसे हुआ, 8 और ये 1 2 1 10 100 1000 में है, तो 8 × 1000 8000 है ना, ए नंबर बन गया। अगला बी नंबर, बी नंबर में निकलना 1 10 100 1000, तो ये भी 1000 ही है, मैं डैश डैश लगा देता हूँ, और यहाँ भी 1000 ही होगा कि 1 10 100 1000 है ना। उसके बाद यहाँ जो होगा दोस्तों, 0 × 1000 करेंगे तो 0 ही रह जाएगा, ये दूसरा नंबर बन गया, ये डैश मतलब यही लिखना है, सेम टू सेम आप पूरा लिखिएगा। सी नंबर, यहाँ देखिए पीरियड जो होता है यहाँ से यहाँ 1 होता है, तो ONES, लेकिन प्लेस जो होता है 1 10, ये 10 है ना। अब यहाँ 8 × 10, तो 8 10 जा 80 प्लेस वैल्यू हो जाएगा। अगला इसको बढ़ाते जाते हैं दोस्तों, आप स्केल से खींच लीजिएगा अच्छा रहेगा। सी के बाद डी, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ 1, यहाँ 1000, यहाँ लैक, ये लैक है, LAKHS, और ये इसका 1000 भी प्लेस भी लैक ही हो जाएगा, LAKHS, जैसे 1 10 100 1000 10000 लैक। अब 4 × लैक, तो 4 लैक, ये आपको ज़्यादा अगर दिक्कत हो तो यहाँ 0 गिन लीजिएगा, नंबर गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5, तो 5 0 हम लोग बैठा देते हैं, है ना। ये हो गया क्या हम लोग का प्लेस वैल्यू, तो डी बता दिए। ई वो नंबर बता रहा हूँ, यहाँ देखिए ये यहाँ से यहाँ 1 होता है, यहाँ 1000, यहाँ लैक, तो यहाँ 1 में है, तो ONES, और ये हो जाएगा प्लेस हो जाएगा क्या, तो 1 10, तो 10 हो जाएगा, TENS, और जो 2 × 10, तो 2 10 जा 20, ये प्लेस वैल्यू। इसके बाद एफ नंबर में, यहाँ से यहाँ 1 है, यहाँ से यहाँ 1000, तो 1000 हो जाएगा, TH O US AND DS, 1000। लेकिन यहाँ देखिए 1000 1 10 100 1000 10000, प्लेस में 10000 हो जाएगा, है ना, ध्यान रखना 10000 हो जाएगा, TH O US AND। अब 10 10 × 1000 करेंगे तो 10000 हो जाएगा, है ना, या फिर 0 भी गिन के बढ़ा सकते हो, 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 है ना, तो 10000 ये हो गया हम लोग का कितना नंबर, 1 नंबर कंप्लीट। आगे बता रहे हैं, अगला है 2 नंबर में क्या बोल रहा है, री राइट द फॉलोइंग
इन असेंडिंग ऑर्डर। दोस्तों असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा लिखना है। तो यहाँ देखिए हम लोग को छोटा से बड़ा पहले देख लिया, यहाँ कितना है 4 लाख, यहाँ है 43,000, यहाँ भी 4 लाख है, यहाँ 4 लाख है। तो इसका मतलब असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा, तो यहाँ 43,000 ये छोटा है बाकी सबसे, बाकी सब मतलब लाख है। तो पहले इसी को लिख लेते हैं, ये नंबर बता रहा हूँ 43,865। इसके बाद अब 4 लाख यहाँ भी है तो पता नहीं चला, यहाँ 83,000, यहाँ 38,000, यहाँ 38,000, इसका मतलब ये बड़ा है, ये दोनों कोई होगा है ना। 4 लाख यहाँ भी तो 83,000 पता नहीं चला, यहाँ 600, यहाँ 800, इसका मतलब ये छोटा है। 4,38,654, यहाँ है 4,38,854, उसके बाद सबसे लास्ट में यही होगा 4 लाख। दोस्तों एक नंबर ये है, एक ये है, एक ये है, उसके बाद है, क्योंकि यहाँ ये कोमा मिक्स हो रहा है इसलिए ऐसा किए, 4,83,000 है और 654, ये हो गया वन नंबर। नेक्स्ट है बी नंबर 91,000, यहाँ 9 लाख, यहाँ 9 लाख, यहाँ तो ये छोटा है ना। अगला है 9 लाख, पता नहीं चला, तो यहाँ 9 लाख 10,000 है या 19,000 या 14,000, सबसे सबसे छोटा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, 9,10,849। दोस्तों यहाँ जब पता चल जाए इधर पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, अगर 9 लाख और यहाँ 19,000 यहीं से पता चल गया तो आगे इधर चेक करने का ज़रूरत नहीं है। दूसरा नंबर ये है, उसको 9,14,000, ये तीसरा नंबर है 9,19,098, ये चौथा नंबर। अगला है दो ही था। नेक्स्ट है तीन नंबर में, राइट द नंबर नेम फॉर द फॉलोइंग न्यूमेरल, नेम लिखना है। तो थ्री का ये नंबर कितना है 53,701। तो चलिए लिखते हैं FIFTY 50 THREE THOUSAND 7 HUNDRED 1. अगला है बी नंबर 91,000, तो 91,000 NINETY 1 THOUSAND 1 सिर्फ है। उसके बाद सी नंबर में 8 लाख है EIGHT 8 LAKH 8 लाख। उसके बाद 8,000, दोस्तों 80 नहीं है, 8 है EIGHT 8,000 THOUSAND। उसके बाद है 800 HUN, अब दोस्तों एक ही लाइन में लिखिएगा HUNDRED 100 EIGHT। बोल रहे हैं इसलिए जो कि स्पेल नहीं पढ़ पाइएगा तो हम बोल रहे हैं उससे आप सुन सकते हैं। उसके बाद है यहाँ से लिखते हैं एक ही लाइन में आ जाएगा डी नंबर में 4 लाख। FORTY THOUSAND 400 FOUR डी के बाद ई नंबर 9 लाख 9,09,000 सिर्फ है, बहुत छोटा है लेकिन देखने में बहुत बड़ा है 9,09,000। उसके बाद ये फिर होगा कितना 6 लाख एफ नंबर में 6,08,300 THREE HUNDRED 16 हो गया। उसके बाद 4 नंबर
राइट द फॉलोइंग नंबर, ये तो बता दिया थ्री। फोर नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स, द स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर। दोस्तों जब भी स्मॉलेस्ट बोलेगा ना तो वन लिख के फाइव डिजिट बनाना है तो फोर जीरो दे देते हैं, अगर सिक्स बोलता तो फाइव डिजिट फाइव जीरो देते हैं, मतलब जितना वन लिख के जितना जीरो बच रहा है उतना जीरो आपको गिन के बैठा देना। बी नंबर में है ना, द सक्सेसर ऑफ 99,000, सक्सेसर मतलब एक बढ़ाते हैं, एक बढ़ाते हैं तो 99,999 में एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 + 1 = 10 का जीरो कैरी वन, 9 + 1 = 10 का जीरो कैरी वन, मतलब यहाँ देख लीजिए हम लोग ऐड कर लेते हैं, 9 × 1 = 10 का जीरो, 9 × 1 = 10 का जीरो, 9 × 1 = 10, फिर 9 × 1 = 10 का जीरो, 10 × 1 = 10 का जीरो, 1 इतना हो जाएगा, मतलब 1 लाख हो जाएगा ये आंसर। दिक्कत कैसे हुआ पता चला, सक्सेसर मतलब बढ़ाते हैं और प्रीडिसेसर मतलब घटाते हैं, शायद आगे हो सकता है प्रीडिसेसर वाला भी क्वेश्चन। सी नंबर, द न्यूमेरल 4,4,04, तो न्यूमेरल लिखना है 4 लाख, तो 4 लिख के कोमा दे दिए, 4,04,04 डायरेक्ट है, इसका मतलब 1000 खाली है, 10,000, 1000 भी खाली है, 100 भी खाली है, 10s भी खाली है, 4 लिखा हुआ डायरेक्ट है ना, ऐसे भर देंगे। डी नंबर में 1 लाख, दोस्तों 1,10,000, तो 1 लाख पहले लिखते कैसे हैं, तो 1 लाख ये है, ये 1 लाख लिख दिए ना, अब हम लोग को 1000 छाट के हटाना है, तो इसमें 1 लाख कितना होगा, 1000, इसका मतलब ये देखिए ऐसा लिख सकते हैं ना, 3 जीरो यहाँ और 2 जीरो यहाँ, 5 जीरो यहाँ, 5 जीरो था, तो 1 लाख कितना, 1000 अगर हम लोग छाटेंगे तो 100 बच रहा है ना, तो 1,00,100,000, इसका तीन नंबर का आंसर क्या होगा, तो 100 होगा। दिक्कत एक तरह से ऐसा भी बना सकते हैं, एक और तरह से बताता हूँ, 1 लाख लिख दिए, इधर से छाटेंगे 1, 10, 100, 1000, 2 जीरो बचा, 2 जीरो आंसर, देखिए है ना, दो तरह से बता दिए आपको। अगला ये करना है, ये क्या करना है, तो ये सॉर्ट करना है, देखिए वंस में है, पहले ये देखिए क्या करते हैं, ऐड करना बढ़िया से आपको, तो यहाँ देखिए 3,03,000 लिख दिए, यहाँ देखिए 10,000 यहाँ नहीं है, तो 10,000 का जीरो दे दिए, 1000 में है 8,000 लिख दिए, उसके बाद है 10s में नहीं है, 100 में नहीं है, तो 100 जीरो, 10s में 5 है, 5 लिख दिए, और 1s में 1 है, तो ये हो गया 3,08,051 है ना। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्त के साथ शेयर भी कीजिएगा, दोस्तों इस पढ़ाने का सलाह कमेंट जरूर कीजिएगा, थैंक यू, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।